हेलो भुक्कड़ आर्मी, क्या हाल चाल। होप सभी स्वस्थ होंगे और खा पी के मस्त होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द भुक्कड़ आर्मी में। दोस्तों सुबह की भाग दौड़ के बाद शाम को हमें लगती है भूख और हमारे अंदर के भुक्कड़ को चाहिए होता है कुछ चटपटा स्पाइसी साथ ही साथ क्रिस्पी खाने के लिए। तो हम निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। लेकिन क्यों भाई, अगर घर पे हैं आलू साथ ही साथ कुछ नॉर्मल सॉसेस तो बनाइए ना और खाइए पूरी फैमिली के साथ। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी बटरी चिली पटैटो, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और बनाते रहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 3 मीडियम साइज आलू और इन्हें लंबा लंबा फिंगर्स में कट कर लिया है। और अब हम लेंगे एक पैन, थोड़ा सा पानी, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे और अब इसमें अपने सारे पोटैटो फिंगर्स को ऐड कर लेंगे। दोस्तों हमें सिर्फ हाफ बॉयल करना है अपने पोटैटो फिंगर्स को, ज़्यादा नहीं करना है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रॉक सॉल्ट 1 टीस्पून। हमें इसलिए ऐसा करना है क्योंकि हम आलूओं का सारा स्टार्च निकाल सकें और उन्हें स्टार्च फ्री बना सकें। दोस्तों लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इस स्टेज पे आपको पहले सभी फिंगर्स को फ्रेश वाटर से अच्छे से धोना है, साथ ही साथ पूरे वाटर को ड्रेन आउट कर देना है कुछ इस तरह, मतलब पोटैटो फिंगर्स को बिल्कुल ड्राई कर देना है, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। दोस्तों बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको ट्रांसफ़र करना होगा वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये मुलायम हो चुके हैं। और अब इसे स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि अरारोट, इतना काफ़ी होगा इसके लिए। चलिए दोस्तों अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो चुके हैं। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक। चलिए एक बार फिर से इन्हें हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और जिन लोगों के जो पोटैटो हैं ज़्यादा गल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ इस तरह इन्हें टॉस भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से चारों तरफ से आप इनको टॉस कर लीजिए, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम लेंगे एक पैन, पैन में हमने लिया है ऑयल, ऑयल को हमें रखना है मीडियम हाई फ्लेम पे। दोस्तों हमारे जो पोटैटो फिंगर्स हैं उसको हमें एक एक करके डालना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम एक एक करके नहीं डालेंगे और एक साथ डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे। और साथ ही दोस्तों याद रखना है हमें इसे सिर्फ सैलो फ्राई करना है, क्योंकि आगे चल के हमें इसे फ्लैश फ्राई भी करना होगा। और इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी पोटैटो फिंगर्स को फ्राई करना है, लेकिन सिर्फ सैलो फ्राई। चलिए दोस्तों अब वक्त आ गया है सभी सैलो फ्राई फिंगर्स को फ्लैश फ्राई करने का। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लेम है बिल्कुल हाई रहती है और सभी को 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करा जाता है। तो फटाफट 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अब ग्रेवी बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है एक चाइनीज़ वोक, आपके पास कोई भी कढ़ाई है आप उसमें इजीली बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है क्योंकि हम इसमें बटर का भी यूज़ करने वाले हैं, तो एक लिमिट में ऑयल को यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए गार्लिक क्लॉप्स, जिन्हें कि मैंने साबुत लिया है। ये गार्लिक क्लॉप्स जो साबुत हैं ग्रेवी के साथ आपके मुँह में जैसे ही आएंगे इनका एक अलग ही टेस्ट आएगा।
दोस्तों साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है पूरा एक प्याज, इनको मैंने स्लाइसली चॉप कर रखा था, तो इन्हें भी बस सेलो फ्राई करना है हमें। प्याज जो है जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए बस आपको सॉसेज डालना स्टार्ट कर देना है, प्याज को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और दो टेबल स्पून रेड चिली सॉस, इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब दो टेबल स्पून टमाटो केचप, चलिए अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो आपको मीडियम फ्लेम पे सिर्फ सॉसेस को गरम करना है, साथ ही साथ जो आपको जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं आपको उनको ऐड करना है और उसमें पोटैटोस को ऐड कर देना है, सिंपल। और अब हम इसमें डाल चुके हैं एक टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। दोस्तों चिली पोटैटो को बटरी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लगभग दो टेबल स्पून यानी कि लगभग 50 ग्राम बटर, जो कि आपके चिली पोटैटोस को एक बटरी टेक्सचर देगा, एक बटरी टेस्ट देगा, तो इसे आप डाल सकते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है एक नींबू का रस जो कि आपके वाइट विनेगर की कमी को पूरा करेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स जो कि एक टीस्पून है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक मीडियम साइज कैप्सिकम जिसे कि मैंने स्लाइस्ड कर रखा है इसे भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 70-80 ml वाटर। देखिए दोस्तों ग्रेवी में उबाल आ चुका है और इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च सेलरी, जैसे कि मैंने एक टेबल स्पून अरारोट में तीन टेबल स्पून पानी को ऐड करके बनाया था। इसे होगा क्या दोस्तों, आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। चलिए अब पोटैटो फिंगर्स को ऐड कर लेते हैं। जो पोटैटो फिंगर्स बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं, और अब ग्रेवी के साथ मिलकर एकदम बटरी क्रंची चिली पोटैटो बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों। और इसका स्वाद दोस्तों बहुत ही उम्दा होने वाला है। दोस्तों एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल की ऑफिशियल आईडी दाभुक्कड़ आर्मी, जहाँ पे आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी रेसिपी चाहते हैं एक बार मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसे चैनल पे अपलोड करने की। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का आप आनंद ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।